हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका शर्मा, राधे राधे गार्डनिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ये है पार्ट टू और मैं टेरेस पर आ चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट पार्ट अभी, दोनों ही पार्ट डाले जाएंगे एक साथ वीडियो, तो ये सेकंड पार्ट है। और अब आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के पिटूनियाज हैं, तो कितने अच्छे और कितने सुंदर खिल रहे हैं। और ये अपने आप एक बार अगर आप लगा लेते हैं अपने गार्डन में, तो फ्रेंड ये जो है अपने आप इसके शीट गिरते हैं और ये अपने अपने कलर अपनी तरह बनाता है। जो वाइट होता है वाइट ही होता है, और जो बाकी देखिए इस तरह से जो दूसरे कलर होते हैं वो अपने कलर्स को चेंज भी कर देते हैं। तो ये जो है हमारे हाइब्रिड वैरायटी नहीं होती है, ये देसी वैरायटी होती है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे गमलों में ये फूल कितने अच्छे और कितने सुंदर खिल रहे हैं। और ये देखिए इधर मेरे हाइब्रिड वैरायटी के ये पिटूनियाज लगे हुए हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, उस पार्ट में भी मैंने बताया था कि आप अपने जो है गार्डन में इस समय भी विंटर प्लांट्स लगा सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप सीजन चला गया, क्योंकि इस बार का जो वेदर है वो कुछ अलग तरह से हो रहा है। और कभी ठंडा हो रहा है, ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, इस समय भी धूप में बैठने का मन कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस समय जो आपके प्लांट हैं बहुत अच्छे चलेंगे। तो इस समय आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी हेल्दी और रीज़नेबल प्लांट मिल जाते हैं। रीज़नेबल प्राइस में आपको प्लांट मिलेंगे और काफ़ी हेल्दी होते हैं, खिले हुए मिल जाते हैं, काफ़ी सारी कलियों से भरे हुए मिल जाते हैं। तो इस समय इन प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं रेड, अभी मैंने वाइट दिखाया किस तरह से कलियाँ इसकी भर रही हैं। तो आप अच्छी सॉइल बनाइए, रिच सॉइल बनाइए और अपने प्लांट को लगा लीजिए। चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या रखने वाले गमलों में लगाएं, तो कोई भी प्लांट इस समय लगा सकते हैं। जो मैं फूल आपको दिखा रही हूँ कॉर्न फ्लावर है, और बहुत ही दो तीन कलर इसमें आते हैं। इस बार मेरे पास ये ब्लू है और पिंक कलर होता है इसमें, वाइट होता है, तो बहुत ही प्यारा होता है। ब्लू बहुत सुंदर लगता है इसमें फ्रेंड, पिंक भी बहुत प्यारा लगता है। देखिए देसी पेटूनिया इधर लगा है, और ये देखिए फिर से जो है हमारा लगा हुआ है। स्पेंड फ्लावर इसमें ज़रूर हटाना है फ्रेंड, नहीं तो ये जो है खिलेंगे नहीं अच्छे से, और हमको ज़रूर इन फूलों को हटाना है। तो बहुत अच्छे फिर ये फैलते चले जाते हैं और बहुत ही जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खिलते रहते हैं। तो ठंडे स्थानों पे तो ये लंबे हमेशा ही खिलते रहते हैं। और फ्रेंड बहुत ही मतलब इस बार वेदर भी अच्छा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ज़रूर अपने गार्डन में इस समय निराश मत होइए कि ये सोच रहे हों कि विंटर चला गया तो अब हम क्या लगाएं। तो आप लगा सकते हैं, लेके आ सकते हैं फूलों को, और रीज़नेबल प्राइस में 10-10 रुपीज़ में भी आपको ये प्लांट मिल जाते हैं इस समय। और हमने कब से इसकी मेहनत कर रखी है तब ये खिले हुए फूल हम फ्रेंड देख रहे हैं। ये भी देखिए हाइब्रिड वैरायटी का पिटूनिया है, जो कि इस साइड में रखा है, तो मैं इस तरह से करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कलर्स हैं आपको दिखा रही हूँ, और कितने अच्छे ये खिल रहे हैं। कल जब मैं आई थी फ्रेंड अपने घर में, तो मैंने जितने भी स्पेंड फ्लावर थे सब हटाए, और मुझे दूसरा काम मैंने बाद में किया, पहले अपने गार्डन को देखा, अपनी बेटी पर छोड़ गई थी, पानी देती रही बेटी, और स्पेंड फ्लावर थोड़ा सा क्योंकि एग्ज़ाम थे तो स्पेंड फ्लावर मैंने ही सारे हटाए फ्रेंड। और बहुत अच्छे देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं, कलर्स आप देख सकते हैं एक से एक प्यारे, एक से एक सुंदर हैं। और अभी तो मैं आपको, ये जो है फरवरी है आज, और अभी कितने आगे तक अभी ये खिल रहे हैं, खिलेंगे और कितने जो है ये बिल्कुल जो थोड़ी सी भी जगह इसमें बास्केट में है दिखाई दे रही है, ये सब भर जाएंगे। इतने फूल खिलेंगे कि फ्रेंड इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, स्पेंड फ्लावर हटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है मेरा गार्डन, आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे हैं। जो ये बंधने वाली प्लांटर्स होते हैं, बास्केट टाइप होती हैं, इसमें मैंने इस तरह से रेलिंग में इस तरह कर रखा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए मेरा गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है, मन जो है खुश हो गया है फ्रेंड। ये देखिए वाइट है, इसी तरह से देखिए ये कलर है, ये देखिए स्पेंड फ्लावर तो ज़रूर ही हटाना है इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा खिल रहा है, देखिए कितना प्यारा खिल रहा है, आपको शायद मैं दिखा पा रही हूँ, तो कितना अच्छा खिल रहा है। इसी के साथ मैंने ये रेड भी लगा रखा है, ये देखिए बहुत सारा जगह मतलब कम पड़ रही है और फूल बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको इधर कर दूँ तो वो उधर खिले। देखिए किस तरीके से ये सटे हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ इसको, नहीं तो फिर क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता गमला, उस तरह से रखती हूँ मैं। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से ये फ्लावर खिले हुए हैं, ये पर्पल है देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है। इसके स्पेंड फ्लावर हटाए थे, बहुत फूल इसमें खिले हुए थे, कट भी किया इसको मैंने, पीला पड़ गया था। ये देखिए, ये देखिए इसमें भी खिलने वाला है, इसमें अभी नहीं खिला, खिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पे मॉस रोज लगा रखा है, इसको देखिए दूसरी तीसरी बार मेरा ये खिल रहा है सालविया,
और कितना प्यारा खिल रहा है ये देखिए, कितने घना होके खिल रहा है, रेड बहुत सुंदर होता है। ये गजानिया का प्लांट है, ढेरों इस पर कलियाँ आ रही हैं, स्पेंट फ्लावर कट किए थे सारे, ये देखिए कितने अच्छे सारे फूल खिल रहे हैं, कितने प्यारे खिल रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए टाइथस, और ये देखिए इसमें भी ढेरों कलियाँ इसमें आने लगी, कलियाँ बनना शुरू हो गई, और ये देखिए भी है ये, तो इस तरह से लग रहा है। और नीचे के तो मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ, इतने सारे फूल दिखाऊंगी तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सारे फूल आप लोगों को दिखा दूँ। मेरी गोल्ड भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत खिल रहा है, ये देखिए कितना प्यारा फूल खिल रहा है। इधर भी मैंने एक पिटूनिया रखा हुआ है, ये देखिए इसको धूप जरा तेज लग गई थी, पानी नहीं डला था इसमें, तो मैंने इसको इधर रख दिया है, जब ये थोड़ा हेल्दी हो जाएगा तो मैं इसे रख दूँगी। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये छोटे वाले फ्लावर्स आते हैं, ये वाले हाइब्रिड वेराइटी के फ्रेंड, रोज प्लांट के, बटन रोज कहते हैं जिसको, इसके मॉस रोज के साथ इसको लगा दिया है, ये पूरे इधर मैंने सारे प्लांट अपने रिपोर्ट कर दिए थे, अलमंडा वगैरह। और ये देखिए सीड पॉट है ये मॉर्निंग ग्लोरी का, अपने आप फटेंगे गिरेंगे और इसके पौधे मुझे मिलेंगे। तो ये देखिए नीचे से तो मैंने हटा दी थी मॉर्निंग ग्लोरी, और इस पर ये लिपटी हुई रह गई थी तो इसको हटाया नहीं, इसके सीड पॉट अपने आप फट के अपने आप गिरेंगे और अपने आप प्लांट तैयार होंगे। ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड पॉट है फ्रेंड, टूट भी गया ये देखिए। ये हाइब्रिड वेराइटी के सारे हिबिस्कस लगे हुए हैं, तो सारे इनमें फूल खिलने वाले हैं फ्रेंड। ये देखिए जेरेनियम का प्लांट है, आज मैं इसमें फर्टिलाइजर डालूंगी, और काफ़ी सारे बनाना के छिक्कल हो गए हैं, ये देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है इन सब पे। ये देखिए टिकोमा के प्लांट हैं इधर, ये देखिए ग्रोथ आना शुरू हो गई है, तो इस तरह से ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ये देखिए मैंने रिपोर्ट किया था सारा, ये रोज़ का प्लांट है, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसमें एक फूल भी खिल चुका मेरे पीछे से, उसको हटा देती हूँ, और इसमें देखिए और कलियाँ इसमें बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए गजानिया के प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए हॉली ऑक लगा हुआ है, अभी हॉली ऑक आपको खिला हुआ भी दिखाती हूँ। ये देखिए नए इसमें पत्ते आए हैं अनार के प्लांट में, ये रिपोर्ट किया था मैंने। ये देखिए ये लेमन का प्लांट है फ्रेंड, काफ़ी सारे प्लांट बोगनवेलिया के। ये देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का खिल रहा है, ये जेरेनियम का प्लांट है, बहुत ही सुंदर होता है फ्रेंड, ये परमानेंट प्लांट होता है, अगर आपको कहीं भी मिले या खिला हुआ इस समय मिल सकता है तो आप अपने नर्सरी से ज़रूर लेके आइए। इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, रेड, पिंक, वाइट, पर्पल, इस तरह के तरह तरह के कलर होते हैं, मल्टी कलर में भी आता है, डबल कलर में भी आता है, तो ज़रूर आप इसको लेके आइए। इस प्लांट को परमानेंट प्लांट होता है, बरसातों से इसे बचाया जाता है, इस समय बहुत खिलता है फ्रेंड, ये तो खिलना स्टार्ट हो रहा है अभी है। और ये देखिए यहाँ पर ये क्लांचो का प्लांट है, कटिंग से लगाया था, ये देखिए इसमें फूल खिल रहे हैं, ये मैंने कटिंग से तैयार किए थे अलमंडा, इसको रिपोर्ट किया था। ये देखिए इस तरह काई जब जमती है तो इसकी जो है आपको ज़रूर गुड़ाई कर देनी चाहिए। ये डाइंथस है, अभी मुझे इसे रिपोर्ट करना है फ्रेंड, मुझे लग रहा है रूट बाउंड हो गया है इसमें, काफ़ी सारे ये फूल खिला चुका है, तो एक बार को लग रहा है इसे रिपोर्ट कर दूँगी। और इधर देखिए तमाम नस्टेशियम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर तरीके से ये खिल रहा है। इधर ये देखिए ढेरों फूल खिलने वाले हैं, तो मेरे गार्डन में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और कितना प्यारा ये लुक लग रहा है। इधर मेरे गौतम बुद्धा रखे हुए हैं फ्रेंड, और बहुत ही सुंदर एक लुक आ रहा है यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा है, चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। और ये मेरा पर्पल टिकोमा है या पिटूनिया लगे हुए हैं फ्रेंड। और ये देखिए रोज़ का प्लांट मैंने दोबारा से रिपोर्ट किया था, इसमें प्रॉब्लम हो गई थी तो नई नई इसकी पत्तियाँ आ रही हैं। ये पिटूनिया कई सारे मैच करके मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, फूल अभी नहीं खिले हैं इसमें। और ये देखिए कमल का प्लांट है, तो कमल खिलना अब स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है, बहुत सारे प्लांट इस समय ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड। और ये रोज़ का प्लांट है, ये रिपोर्ट करके गई थी तो इसमें भी देखिए नई नई पत्तियाँ आने लगी, पूरे साल भर खिलता है ये जो है देसी रोज़ का प्लांट है। और ये देखिए ये जैबरीना हॉली ऑक है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसमें हॉली ऑक खिल गया है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये है हॉली हॉक का प्लांट, और एक मैंने छोटे से गमले में, ये 7 इंच के गमले में लगा रखा है, अगर मैं इसको ज़मीन में लगा दूं तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी कलियां आ रही हैं, और इस तरह से इसके फ्लावर खिलते हैं, जैसे ये इधर खिलाए उसी तरीके से ये उधर खिलाए फ्रेंड। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, तो इस तरह से ये खिलता रहता है, और नीचे से ये देखिए ब्रांचेस निकाल रहा है, ये देखिए इस तरह से होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है हॉली ऑक।
हॉलीहॉक आपको इस समय नर्सरी में मिल जाएगा, तो आप लेके आ सकते हैं, जरूर अपने गार्डन में लगाइए। परमानेंट प्लांट है, सीड पॉट बनाता है ये जून में, और फ्रेंड इसके जो है सीड पॉट को आप संभाल के रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा परमानेंट रहता है आपके गार्डन में। जहाँ इसके सीड पॉट गिरते हैं ये खुद ही खुद अपने आप ये प्लांट होना शुरू हो जाता है फ्रेंड। इसी तरह इसका जैबरीना जो दिखाया उसके अभी फूल नहीं आए, मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये देसी पिटूनिया, ये मैंने आपको दिखाया था, और अभी मुझे इसमें काम करना है, मैं चली गई थी इसीलिए नहीं कर पाई, अभी तक मुझे कर देना चाहिए था। ये जितने भी सीड पॉट इसमें बने हुए हैं मेरे इसमें अडेनियम में, मैं इन सबको हटाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि मुझे सीड पॉट नहीं चाहिए, इसको कट करूंगी। रिपोर्ट मैंने इसको कर दिया था, अब मैं इसमें खाद डालूंगी, तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें कौन सी खाद डालनी है। तो ये मेरे पास दो अडेनियम है फ्रेंड, जो कि काफ़ी देखिए अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ये देखिए रिपोर्ट कर दिए थे। इधर भी एक पिटूनिया लगा हुआ है, पिटूनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं लगाती रहती हूँ। अब आप देखिए ज़रा फूलों का नज़ारा है, ये देखिए डॉग फ्लावर होता है, इनके तीन तरह के मैंने कलर्स इसके लगा रखे हैं, ये देखिए येलो कलर है, एक देखिए ये पिंक कलर है, और ये देखिए रानी कलर है। तो कितना प्यारा लग रहा है ये चारों तरफ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड, तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा खिल रहा है। इसको ये अगर आपको प्लांट मिलता है आप ले आइए, ये अभी लंबे समय तक खिलते रहेंगे ये प्लांट। ये देखिए मेरे अभी खिलने स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये कलर है पिटूनिया के, काफ़ी सारे कलर हैं। एक मेरे पास ये पिंक कलर है, बहुत बड़ा फूल इसमें आता है, वाइट फूल भी बहुत बड़ा आता है जो मैंने आपको दिखाया, तो कितने अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं। ये मेम्यूलस का प्लांट है, पिटूनिया की तरह इसमें फूल आता है, काफ़ी सारा घना हो गया है, और कितनी ढेरों सारी इसमें कलियाँ आ रही हैं। इसके बहुत सारे फूल स्पेंट थे तो मैंने वो सारे फूल हटाए, मुझ पर क्रीम कलर का है, और भी दूसरा भी मेम्यूलस है वो अभी खिला नहीं है। ये देखिए ये पिटूनिया है, और बहुत ही बड़े बड़े फूल इसमें आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी की हेल्थ बहुत अच्छी है, और सब बहुत अच्छे ये फूल खिल रहे हैं। ये भी देखिए देसी रोज़ है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी ग्रोथ हो रही है, रिपोर्ट किया था। ये मेम्यूलस का प्लांट है फ्रेंड, ये देखिए इसमें भी कलर आएगा, अभी मैं देखूँगी कि इसमें कौन सा कलर आया है। और ये देखिए ये हमारा, इसका नाम भी देखिए भूल गई मैं आप लोगों को बताते समय, आप सबको मालूम होगा। और ये देखिए ये भी एक डॉग फ्लावर का कलर है, और इसमें देखिए ये हमारा साल्विया का कलर भी लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे प्लांट मैंने एक साथ करके ये लगा दिए हैं, और खिले हुए एक साथ बड़े ही सुंदर और बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो ये मैंने 12 इंच के गमले में लगा दिया था, तब मेरे पास प्लांटर नहीं थे और प्लांट लगे हुए थे उसमें, तो मैंने ये बड़ा था तो एक साथ मैच करके ये लगा दिए थे। और देखिए हॉलीहॉक कितना अच्छा ये खिल रहा है, कितना विशाल इसके पत्ते हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, इसमें दिखाऊंगी आपको जब इसके कलर खिलेगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये है लेंटाना, और लेंटाना के मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, तो इसका समय भी आ रहा है, साल भर खिलने वाला प्लांट है, इसमें मुझे खाद वगैरह डालनी है, और जितनी वीट्स हो गई हैं इन सबको हटाना है। ये देखिए मैं कम से कम 10-12 दिन के लिए गई हुई थी, और देखिए कितनी सारी वीट्स हो गई हैं। और ये मेरा हार सिंगार का प्लांट है, तो इसका तो समय गया, बहुत सारे फूल मैंने खिले हुए इसके दिखाए थे आप लोगों को। और ये देखिए कैबेज का प्लांट है, तो कैबेज का भी अब धीरे धीरे समय जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, इसको आप लेके आ सकते हैं, परमानेंट प्लांट है, और इसको हम सेव करके रख सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये कैबेज के जो भी कलर आपको अच्छे लगते हैं नर्सरी से आप लेके आ सकते हैं इसको फ्रेंड। और फ्रेंड ये है देखिए तेजपत्ता का प्लांट, तेजपत्ता जो कि हम पुलाव वगैरह में, अपनी सब्जियों में, मसालों में काम आता है, गरम मसाले में काम आता है, तो बहुत ही अच्छा होता है तेजपत्ता, आप इसका प्लांट गार्डन से नर्सरी से लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छा आप इसे अपने रिपोर्ट कर सकते हैं, ज़रूर लगाइए। और फ्रेंड ये है देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट कैक्टस का, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, इसमें बहुत रेड कलर तो सबसे सुंदर होता है, खूबसूरत, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसे नहीं होती है, अब इसका समय आ रहा है, आप ज़रूर इसे लगाइए। और फ्रेंड ये देखिए ये है मेरा ग्लाडिया का प्लांट, इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे जब मैं आई, और इसमें आप देखिए इतने सारे फूल अभी भी खिले हुए हैं, तो इस समय ये प्लांट हमें नर्सरी से मिलता है, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए फ्रेंड। और ये देखिए मोती बम का प्लांट है, जिसे आइस प्लांट भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, 3-4 इसमें कलर आते हैं, आप लेके आ सकते हैं, स्पेंट फ्लावर आपको ज़रूर हटाना है जिससे ये फूल आगे तक खिलते रहे फ्रेंड। ये देखिए कितना अच्छा ये खिल रहा है,
इसी तरह से हमारा ये देखिए पॉइनसेटिया का प्लांट है, तो पॉइनसेटिया की मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए इसमें छोटी सी कटिंग में ही ये फ्लावर भी बनने लगे। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने लैंटाना लगा रखा है, तो लैंटाना के और भी कलर्स में लेके आऊँगी, आप लोगों को वीडियो बनाऊँगी और दिखाऊँगी। तो चलती हूँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें।